हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा जैक और आप देख रहे हैं कस्टम हैक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर के ऊपर, जो कि कंप्यूटर के अंदर जब वायरस घुस जाता है तो हम सी ड्राइव फॉर्मेट करते हैं, ना कि पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं। और अगर हमको पूरे हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने होंगे तो वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो दोनों चीज़ के लिए है, एक तो अगर कोई वायरस की वजह से सी ड्राइव फॉर्मेट करता है तो भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है, और जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन करते हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये है मेरा पेन ड्राइव जिसके अंदर 8.1 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे और F11 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, जब तक कि कोई विंडो ओपन ना हो जाए। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गई, देखिए। तो अब हमको एरो से इसके अंदर डाउन जाना होगा थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसके अंदर माउस काम नहीं करता है। ये देखिए एरो बटन, इससे हमको नीचे आना होगा जेट फ्लैश पे और एंटर करना होगा। ठीक है, एंटर करने के बाद में यहाँ पे आता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी। हम फिर से एंटर दबा देंगे, एक कोई भी की प्रेस करने होगा हमारे को। तो की प्रेस करने के बाद में ये थोड़ा लोड होएगा। देखिए अभी लोडिंग का जो सर्कल है वो घूम रहा है, तो थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों इसको, ज़्यादा भी नहीं। देखिए अभी ओपन हो रहा। ठीक है, ये विंडोज़ खुल गई अभी, विंडोज़ 8 की। इसके अंदर लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, करेंसी, कीबोर्ड। तो लैंग्वेज तो हमारे को इसके अंदर इंग्लिश ही आएंगी, यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, तो हम करेंसी एंड टाइम चेंज कर लेंगे हमारा इंग्लिश इंडिया का। तो इसके अंदर हमको अभी सर्च करना होगा, देखना होगा लिस्ट में इंग्लिश इंडिया करके। ये देखिए अभी दिख गए, सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे का भी कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में हमको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर अभी इंस्टॉल नाउ कर देंगे हम इसको। अब देखिए ये न्यू विंडो ओपन हो गई है, ये लाइसेंस टर्म है इसके अंदर। तो इसके बाद में अभी यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, ये चेक बॉक्स आपको क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए अपग्रेड दिखेगा और एक कस्टम दिखेगा। तो मैं आपको अपग्रेड का भी करके बताता हूँ। देखिए अपग्रेड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ रिस्पांस नहीं है। ठीक है, हम क्लोज कर देंगे, फिर से इंस्टॉल। फिर से चेक बॉक्स क्लिक, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब कस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए अब हमारी हार्ड डिस्क आ गई है पूरी। तो अब हम इसको सबको फॉर्मेट कर देंगे। अभी ये जो जितने भी पार्टीशन गिराए हमने, ठीक है, इसको हम अब डिलीट कर देंगे पूरा एक एक करके। ये जो हमारा था सी ड्राइव का था, तो हम अब सब डिलीट कर देंगे। और एक एक करके, ठीक है, और ये जो मेरी हार्ड डिस्क थी, ये 150 GB की हार्ड डिस्क है दोस्तों, ये बहुत पुरानी हार्ड डिस्क है। कम से कम 2002 में लिया था ये कंप्यूटर, तब से ये इतनी है। 2 GB रैम है दोस्तों ये। ठीक है,
तो ठीक है, अभी ये अनअलॉटेड स्पेस है 150 GB। तो अब हम इसके पार्टीशन गिरा लेंगे। तो अब हमको लगेगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसके पार्टीशन गिराएंगे अभी। तो पार्टीशन के लिए हमारे को इसके अंदर से देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे फॉर्मेट के बाजू में न्यू, ठीक है, ये न्यू पे हमको क्लिक करना होगा। फिर बाद में यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आता है, तो हम ये जो है ये साइज़ हम कैलकुलेटर में डाल देंगे अभी। ये देखिए साइज़ कितनी है, 152625। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1024 से, नहीं हाँ तो 149 GB है। देखिए हमारे पास में, देखिए अब कम, आपको मैं इसके पार्टीशन भी बताऊंगा अभी। जैसे आप 30 GB का हम पार्टीशन करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 1024, नहीं सॉरी गलत हो गया, 30 GB को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, ठीक है। तो ये इसका पार्टीशन गिराना होगा हमारे को। ये 1024 मतलब 1 GB है, तो उसकी वजह से हम जितना GB हमारे को करने का है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। तो यहाँ पे अब हम हमारे को 30 GB का पार्टीशन करना है, तो हम 30 GB का जो साइज़ है वो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये होने के बाद में हम अप्लाई कर देंगे, ये ऐसा नोटिफिकेशन आने के बाद में हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए पार्टीशन गिर गया एक। तो अब हम अभी दूसरा ड्राइव पार्टीशन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी आ गया साइज, इसके अंदर हमको अभी साइज कन्वर्ट करना होगा 121904। ये देखिए मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ, 121904 इसको हम करके देखेंगे एक बार। ये देखिए 119 GB। तो हम इसके अभी पार्टीशन गिराना होगा और एक, तो हम अभी इसका गिराएंगे एक पार्टीशन 40 GB का, 40 × 1024 करके 40 GB का ये जो है KB में, इसका हम अभी इसके अंदर लिख देंगे साइज में, MB में, सॉरी वो KB में नहीं था, MB में था, 1024 MB मतलब 1 GB। तो ये 40960 मतलब ये 60 अपला 40 GB है, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये 40 GB का एक हमारा पार्टीशन हो गया। अब हमारे पास में बचा है 79 GB। नाइन जीबी का और एक पार्टीशन कर देंगे। ये देखिए 80944 मतलब 79 GB। तो इसका भी एक बार मैं अभी आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ।
ये देखिए 79 GB, तो अब हम एक पार्टीशन गिराएंगे इसको 79 GB में से 35 GB का पार्टीशन, तो 35 GB का पार्टीशन कर देंगे हम। ये 35840 MB मतलब 35 GB। ये देखिए अप्लाई कर देंगे हम इसको, अब देखिए हमारे पास में बचा है 44 GB। ये हमारा 35 GB का पार्टीशन एक, और ये 44 GB का पार्टीशन। तो ये अनअलोकेटेड स्पेस है, तो अब हम इसको फिर से अब डिलीट कर देंगे दोनों भी, क्योंकि ये 44 GB जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है एक पार्टीशन। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए 79 GB आ गया, एक पार्टीशन करेंगे हम इसका बड़ा। तो 79 GB में से हम 1.5 GB हम हमारे को बैकअप में रखना होगा थोड़ा सा, तो उसका पार्टीशन करेंगे। सेवेंटी सेवन जी बी मतलब हमारे पास है 2 GB का लॉस होता है, तो इतना तो नहीं, हम 1 GB ज़्यादा ज़्यादा छोड़ सकते हैं, उतना सफिशिएंट है। तो अब उसके लिए हमारे को ये रिमूव करना होगा यहाँ से, और 79 GB का तो अब हमारे को 78 GB करना होगा। फिर भी मैं करके बताता हूँ आपको, ये देखिए 2 GB के पास में 1.9 GB है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों 2 GB के आसपास, तो इतना हम नहीं छोड़ सकते। तो अब हमारे को इसको भी अभी डिलीट करना होगा, हम डिलीट कर देंगे इसको, फिर से एक पार्टीशन गिराएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 1 GB छोड़ सकते हैं हम, तो हम उसका पार्टीशन गिराएंगे अभी 78 GB का। तो ये 7 4 × 9 करके 1024 डिवाइड कर देंगे, तो 78 GB का आ जाएगा। सेवन फोर टाइम नाइन और अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 78 GB का एक पार्टीशन। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, तो हमने ऐसे 3 पार्टीशन कर लिए हमारे, और 1 GB हमने स्पेयर में रखा है सिर्फ ऐसे। और ये जो पार्टीशन 3 दिख रहा है आपको, इसमें रहेगा हमारा सी ड्राइव जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगी, तो हम नेक्स्ट कर देंगे इसको 40 GB का जो है हमारा। तो देखिए अभी ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल हो रही है, इसको लगभग आधा घंटा लग सकता है, 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है 60 मिनट। ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड है दोस्तों पूरा, और रैम जो कि मेरी रैम 2 GB है, तो लगभग आधे से 1 घंटा लग सकता है।
फिर भी अभी तो फास्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। ये देखिए 68, ये देखिए टाइम, लगभग हमने 5:30 बजे चालू किया था तो अब 5:40 हो गए। ठीक है, 72% हो गया अभी हमारा। ये देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी हो गए 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर इसने पूरा कवर कर लिया, 5:45 हो गए। इसको थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ये तो अभी जल्दी हो जाएगा गेटिंग डिवाइस रेडी। लेकिन अभी गेटिंग रेडी के टाइम पे बहुत टाइम लगता है दोस्तों इसको लोडिंग होने को, ये पूरा इंस्टॉल होने को टाइम लेता है। ये देखिए दोस्तों मेरा विंडोज़ फ़ोन है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है 8.1। ये देखिए दिखाता हूँ मैं सेटिंग में जाने के बाद में एक्सट्रैक्ट देखेंगे पहले हम। ये देखिए लुमिया D9, 1 GB रैम है दोस्तों ये मेरे मोबाइल में। आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट में दिखाऊंगा मैं, अबाउट देखेंगे अभी इसमें। ये देखिए अबाउट, मोर इन्फॉर्मेशन, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट लुमिया 640XL डुअल सिम, विंडोज 8.1 अपडेट 2 है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। और इधर हमारा गेटिंग रेडी होने में है, थोड़ा टाइम लग सकता है। और मैं ये वीडियो इसलिए पोर्ट्रेट मोड में बना रहा हूँ कि हम जो भी वीडियो देखेंगे तो आपको स्क्रीन लैंडस्केप में ना करते हुए देखते हुए आप सीधा देख सकते हैं। देखिए अब ये हो गया कंप्लीट, अब रिस्टार्ट हो गया है दोस्तों ये। और जल्द से जल्द मैं अभी मोबाइल का स्टैंड ले लूँगा दोस्तों, ताकि ये ऐसा हाथ से हाथ में मोबाइल लेके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ रहा है मुझे। तो ये देखिए अब हो गया हमारा, अब इसमें पर्सनलाइज है तो इसमें आपको कलर चूज़ करना होगा, कौन सा कलर आपको जो पसंद होगा वो। और यहाँ पे पीसी नेम लिखना पड़ेगा, ये कलर चूज कर सकते हैं आप इसमें। मुझे ब्लू पसंद है तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर लेता और नेक्स्ट कर दूंगा।
ये देखिए नेक्स्ट बटन बटन है यहाँ पे, तो हम क्लिक कर देंगे इसको। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है ये एक्सप्रेस सेटिंग करके, तो ये देखिए यहाँ पे कस्टमाइज है और यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग है, तो हम एक्सप्रेस सेटिंग पे इसको क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको अभी ये योर अकाउंट, इसके अंदर आपको यूज़र नेम डालना होगा और पासवर्ड। जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अपना पीसी चालू करेंगे तब आपको पासवर्ड पूछता है ये, तो पहले यूज़र नेम डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने डाल दिया है सब इसके अंदर, अब नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉलिंग योर ऐप, इसको टाइम लगेगा दोस्तों अभी। ये देखिए हो गया इंस्टॉल, देखिए आधे घंटे के पहले हो गया, 5:30 बजे चालू किया था हमने, तो 6 बजने के बाकी अभी भी। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम डेस्कटॉप में जाके फोल्डर खोल लेंगे माय कंप्यूटर। ये देखिए हमारे ड्राइव, ये पेन ड्राइव है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको हम फॉर्मेट कर देंगे। ये हो गया फॉर्मेट, दूसरा भी कर देंगे फॉर्मेट। तो ये हमारा सब हो गया फॉर्मेट करके, ये देखिए 79 GB था हमारा लास्ट में, तो 78 GB का एक हमने ड्राइव बनाया, ये 30 GB का ड्राइव बनाया और ये 40 GB का ड्राइव था, तो इसके सी ड्राइव में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों ऐसा हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाया है, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप नए हो ये चैनल पे तो बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद।